नमस्कार विद्यार्थियों, आप इसके पहले के लेक्चर्स को मन लगा करके देख रहे होंगे और उनसे लाभान्वित हो रहे होंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है आपसे। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या यूं कहें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में आगे बढ़ेंगे और इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में आगे बढ़ते हुए हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग के निष्कर्ष में हम चल रहे थे और हमारे पास तीन निष्कर्ष अब तक आ चुके थे और चौथे निष्कर्ष की ओर हम बढ़ेंगे, जिस चौथे निष्कर्ष में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि निरोधी विभव पर प्रकाश की आवृत्ति को अगर बदल रहे हैं तो प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब तक जो हमारी जानकारी बन चुकी थी उस जानकारी में हमारे सामने यह सारी बातें आ चुकी थी कि आप्तिक प्रकाश की तीव्रता को बदलने के साथ क्या इफेक्ट दिख रहा है, क्या प्रभाव दिख रहा है। आप्तिक प्रकाश में अगर हम बात किए थे तो वहां से हमारी दो तीन जानकारियां और भी बढ़ी थी कि आपतित प्रकाश में जो तीव्रता थी उसके साथ आवृत्ति को भी हम देख चुके थे। अब आवृत्ति निरोधी विभव को देखने के लिए हमने क्या किया था, एनोड विभव को बदलना शुरू किया था और एनोड विभव के साथ प्रभाव देखा था। तो वहां से हमारे पास दो मुख्य जानकारी मिली थी, एक आप देख रहे थे सेचुरेटेड करंट मिली हुई थी, सेचुरेटेड करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो मिली हुई थी, और दूसरा जो था वो आपको निरोधी विभव मिला हुआ था, जिसको आप कह सकते थे संस्तब्ध विभव की भी बात की गई थी, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अंग्रेजी के नाम से आप जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और निरोधी विभव पर देखने का प्रयास करते हैं कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव देखने की ओर चलें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसका किसके सापेक्ष देखने जा रहा है प्रभाव, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति किस पर प्रभाव देखने जा रहा है, तो निरोधी विभव। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, वक्र बनाएंगे, तो जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स अक्ष होगा उस पर आवृत्ति को लेंगे, वाई एक्स पर निरोधी विभव को लेंगे। जैसा आप इसके पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं कि निरोधी विभव सीधे सीधे प्रकाश की, अगर बात की जाए तो निरोधी विभव का संबंध सीधे सीधे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से है, या यूं कहें गतिज ऊर्जा से। तो आप गतिज ऊर्जा के शब्दों में भी इस बात को समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस हो गई, की बात की जाएगी या आप कह सकते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन निरोधी विभव सीधे सीधे प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है। तो आप इस तरह में भी अपनी बात को देख सकते हैं, जब निरोधी विभव और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचा गया, वक्र खींचा गया, वह वक्र एक सरल रेखा के रूप में मिला और वह सरल रेखा देखिए कुछ इस तरह से आपको मिली और यह सरल रेखा जाकर के यक्ष अक्ष को कहीं ना कहीं कट गई। जहां यह यक्ष अक्ष पर कट कर रही है, देखिए यह निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में जो खींचा गया वक्र है, इस वक्र के रूप में हमें एक सरल रेखा मिल रही है। यह सरल रेखा यक्ष अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर आवृत्ति का कोई ना कोई मान होगा और हमने कह दिया सपोज दैट यह मान कितना है, न्यू नॉट है। अगर हम इसे आगे बढ़ाएं,
एक्स्ट्रापोलेट करें तो हम पाएंगे कि यह कहीं ना कहीं जाकर के वाई अक्ष को ऋणात्मक दिशा में या ऋण मान पर काटेगा। तो जाहिर तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि आवृत्ति ऋणात्मक होती नहीं है तो आप स्थिति इधर जा नहीं सकती है, और यहाँ आप देख रहे हैं अगर विरोधी विभव ऋणात्मक होने लगा तो ऋणात्मक होने का यह मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होने लगी, यही आकर के शून्य हो गई और ऋणात्मक होने लगी। तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए इस तरह की किसी भी आवृत्ति का या यूं कहें कि इस तरह के किसी भी इलेक्ट्रॉन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो एक चीज बहुत स्पष्ट मिली कि इस ग्राफ से यह बात स्पष्ट हो रही है, इस वक्र से यह बात स्पष्ट हो रहा है कि आवृत्ति का एक निश्चित मान मिला जिसे न्यू नॉट का नाम दिया गया है। न्यू से हम लोग आवृत्ति को लिख रहे हैं तो न्यू मैं लिख भी दूं, ये न्यू सिंबल है आवृत्ति का और इसे ऐसे लिखते हैं तो ये आप इसे प्रोनाउन इसे आप उच्चारण में न्यू कहते हैं और लिखा भी बना दिया गया है तो वही न्यू है या आवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो यहाँ एक आवृत्ति का विशेष मान मिला जिस विशेष मान पर आप देख रहे हैं निरोधी विभव का मान क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। और निरोधी विभव का मान शून्य हो जा रहा है इसका मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा शून्य हो जा रही है। इसका मतलब साफ है कि इस न्यू नॉट आवृत्ति से कम के मान पर आप किसी भी तरह के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी गति ऊर्जा इसके नीचे क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है, यहाँ पर आकर के शून्य हो जा रही है। तो एक यहाँ से यह विशेष आवृत्ति का मान मिला जिस विशेष आवृत्ति के मान को आप क्या नाम देते हैं, संस्तब्ध आवृत्ति, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, संस्तब्ध आवृत्ति, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या यूं कहें इसी को आप नाम देते हैं दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, दहली आवृत्ति, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एक विशेष आवृत्ति का मान आपको मिल गया जिसे आपने नाम दिया दहली आवृत्ति। तो इस तरह से परिभाषा के तौर पर आप कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर कि किसी भी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है वह उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। इसका मतलब साफ है कि यह दहली आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है, धातु की सतह पर निर्भर कर रही है। हर एक धातुओं के लिए इस दहली आवृत्ति का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब कि हर धातु की सतह के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति का मान अलग अलग होगा जिस पर कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, उत्सर्जित हो सके। इस दहली आवृत्ति से कम की आवृत्ति का अगर प्रकाश आप आपतित कराएंगे धातु की सतह पर तो आप पाएंगे कि किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि यह दहली आवृत्ति के बराबर के एनर्जी के फोटॉन को अगर आप लें तो वह एनर्जी का फोटॉन सीधे सीधे उस धातु के कार्यफलन से क्या होगा, संबंधित होगा, या यूं कहें कि इस दहली आवृत्ति के फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वह कार्यफलन के बराबर होती है। और हमारी जानकारी बन चुकी है कि कार्यफलन को हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। और अगर हम इस आवृत्ति के संबंध में फोटॉन की ऊर्जा को लिखें तो आप जानते हैं फोटॉन की ऊर्जा होती है एच न्यू, और न्यू की जगह क्या लिख देना है, न्यू नॉट। तो इस तरह से आप आ जाएंगे एच न्यू नॉट। तो यह देख सकते हैं आप कार्यफलन दहली आवृत्ति के बराबर की आवृत्ति के फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और एक नंबर के सवाल भी बनते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कार्यफलन सीधे सीधे बराबर होता है दहली आवृत्ति के बराबर, दहली आवृत्ति के एनर्जी के बराबर के फोटॉन के। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और आवृत्ति दहली आवृत्ति से आप परिचित हो गए तो इसी तरह से आप दहली तरंगदैर्ध्य से भी परिचित हो सकते हैं। तो दहली आवृत्ति यह जो बात आई इसके संदर्भ में आपने जाना,
कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस धातु की पहली आवृत्ति कहलाती है। तो इस तरह से आपकी जानकारी बनी कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उस धातु की दहली आवृत्ति कहलाती है। तो यह एकदम स्पष्ट रखने की जरूरत है कि यह धातु की सतह का गुण है। सतह बदल जाएगी तुरंत दहली आवृत्ति का मान बदल जाएगा। इसे सामान्य रूप से न्यूनाट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको स्पष्ट मालूम चल गई, तो यहां से यह बात स्पष्ट हुआ। अब अगर यही से हमारे सामने यह भी जानकारी बन गई कि सीधे सीधे दहली आवृत्ति के बराबर के एनर्जी के फोटॉन को हम सीधे सीधे उस धातु की सतह के कार्यफलन के बराबर कर सकते हैं, तो W is equal to h mu naught हम लिख सकते हैं। और बाकी चीजें आप समय रखते हुए आगे इसको बदल भी सकते हैं, इसको तरंगदैर्ध्य में भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि ही आपको दहली तरंगदैर्ध्य के बारे में भी दो लाइन में संक्षिप्त परिचय दे दूं। तो आप देख सकते हैं दहली तरंगदैर्ध्य, दहली तरंगदैर्ध्य जिसे आप कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो क्या कहेंगे अब, तो आप जानते हैं आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब आवृत्ति न्यूनतम होगी तो तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगा। तो आप इसकी परिभाषा बहुत आसानी से फिट कर सकते हैं। उस परिभाषा से आप कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश अब देखिए जहां न्यूनतम आएगा वहां क्या आ जाएगा, अधिकतम आ जाएगा। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति की जगह वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, तो आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिससे किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे धातु का दहली कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये लैम्डा नॉट से प्रदर्शित किया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे सामने वर्तमान समय में
दो मुख्य वर्ड शब्द आ चुके हैं और इन दोनों शब्दों पर अगर आप देखेंगे तो दहली तरंगदैर्ध्य और दहली आकृति इन दोनों ही नामों पर बोर्ड की परीक्षा में एक नंबर वाले सवाल में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स भी बन चुके हैं। तो आपको अब इन दोनों चीजों की स्पष्ट जानकारी मिली। अगर आप इतनी बार जान चुके थे कि हमारे पास वर्क फंक्शन कार्य फलन W is equal to H nu naught का, जहां nu naught आप जान रहे थे कि दहली आवृत्ति थी, तो अगर वहीं से हम बात करें तो हमारी जानकारी है कि W is equal to H nu naught, तथा हम यह भी जानते हैं कि देखिए वेलासिटी वेग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच का संबंध जो था वह V is equal to जो था वह कितने के बराबर था, V is equal to आप पाते थे न्यू लैम्डा। तो आप वहां से अपनी बात को और स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पा सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फोटान के लिए जब बात करेंगे तो फोटान की जो वेव होता है, फोटान का जो वेव होता है वह प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और प्रकाश की चाल को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी यह जानकारी है कि न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इस तरह से आप पाएंगे क्या W is equal to आप लिख सकते हैं H nu naught is equal to H c upon lambda naught। अब यहां से अगर आप देखें तो जो बातें स्पष्ट आपको दिख रही है इस पर न्यूमेरिकल का मैं बार बार इस बात को आपको याद दिला रहा हूं, और आप अगर देखें तो पाएंगे कि H क्या है, H प्लांक नियतांक है और c क्या है प्रकाश की चाल, और नॉर्मली आप निर्वात की बात करते हैं तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की आप बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां तक हम पहुंच चुके हैं और हमारी जानकारी अब बन चुकी है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो निश्चित तौर पर अब हमारा अगला पड़ाव जो होगा इस प्रयोग के निष्कर्ष को जानने के बाद इनसे संबंधित जो बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं उनको देखना चाहिए हमें, और साथ ही साथ जो इन पर न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको भी देखना चाहिए। इसी क्रम में मैं एक टॉपिक और थोड़ा सा कवर करूंगा आपके सामने, और कैथोड के धातु की अगर प्रकृति, मतलब कहा जाए कि अगर धातु कैथोड के धातुओं को बदला जाए तो कैथोड के धातुओं को बदलने के साथ किस तरह से आप पा रहे हैं प्रभाव दिखाई देगा उसको भी देखने की जरूरत है। तो हम सीधे सीधे कैथोड की कैथोड धातु की प्रकृति का प्रभाव भी एक टॉपिक देख लेते हैं, और इसी जो अभी ग्राफ बना था उसी से संबंधित है, तो बहुत आसानी से आप मेरी बात को समझ भी जाएंगे, तो उसे भी देखने चलते हैं, छोटा टॉपिक है। और अगले दिन जब हम अपने लेक्चर में आएंगे तो इन सभी से संबंधित जो आपके बोर्ड की परीक्षा में अब तक पूछे गए सवाल हैं उनसे आपसे डिस्कस करेंगे, और आपसे भी यह निवेदन रहेगा कि आप घर पर इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं एनसीईआरटी की बुक आपकी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है पीडीएफ फॉर्म में, तो वहां से भी आप अपनी बहुत बड़ा मदद के रूप में देख सकते हैं। और बोर्ड की परीक्षा के अगर PBCF के पेपर्स आपको मिल जाए तो वहां से आप सवाल देखना शुरू कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पर गारंटी है कि यह प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको बोर्ड की परीक्षा में और किसी भी कंपटीशन में नंबर देगा ही देगा। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और कैथोड धातु की प्रकृति का प्रभाव देखता हूं। कैथोड धातु की प्रकृति का प्रभाव अगर देखने की ओर चला जाए तो आप देखिए यहाँ क्या करना है, अभी तक एक धातु का कैथोड था, अब धातु को बदल देना है, तो जस्ट वैसे ही प्रभाव में आपको दिखाई देंगी चीजें। आप देख सकते हैं यक्ष अक्ष पर हमने क्या बना दिया, आवृत्ति को बना दिया, वाई अक्ष पर निरोधी विभव, या आप यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा की बात कर सकते हैं। एक धातु मान लिया हमने यक्ष, दूसरा धातु लिया वायु। देखा क्या गया कि धातु यक्ष और धातु वायु दोनों के लिए जब ग्राफ खींचा गया, वक्र खींचा गया, उस वक्र में हमें एक सरल रेखा मिली, और मान लीजिए कि यह धातु यक्ष के लिए मार्ग है आ रहा है धातु यक्ष, और यह क्या है धातु वायु। तो
तो आप पा रहे हैं कि धातु x और धातु y दोनों के लिए जब हमने देखा तो आपको एक सरल रेखा का ही वक्र मिला, लेकिन यह सरल रेखा देखिए क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, एक दूसरे के समानांतर है। यक्ष अक्ष पर दो जगहों पर अलग अलग धातु के बदलने के साथ देखिए यक्ष अक्ष पर जहां कट कर रही है यह सरल रेखा वह बिंदु बदल जा रहा है। उस बिंदु का बदलना इस बात की गवाही है कि आपके पास दहली आवृत्ति का मान धातु के बदलने के साथ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। और यही चीज मैं आपको इसके जस्ट पहले टॉपिक में बता चुका हूं कि दहली आवृत्ति किस पर निर्भर करती है। दहली आवृत्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किस सतह पर धातु की सतह क्या है। धातु की सतह बदल जाएगी तो दहली आवृत्ति का मान बदल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो मान लीजिए हमने इस दहली आवृत्ति को न्यूनाट से लिखा था, न्यूनाट वन कर देते हैं धातु एक्स के लिए और इसको कर देते हैं न्यूनाट टू कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं धातु के बदलने के साथ दहली आवृत्ति का मान बदल गया और साथ ही साथ आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे के सरल रेखाएं, दोनों धातुओं के लिए जो आ रहा है वक्र है वह एक सरल रेखा है और दोनों सरल रेखा एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब है दोनों के ढाल क्या है, एक समान है। ढाल एक समान है इसका मतलब धातु के बदलने के साथ वक्र के रूप में जो सरल रेखा आ रही है उसके ढाल पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब धातु एक नियतांक के रूप में पाया जाएगा और वह नियतांक कुछ और नहीं प्लांक नियतांक होगा। तो यह एक बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसे आप देख सकते थे और आप देख सकते हैं अगर इसे भी हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करें आगे की ओर पढ़ाएं तो y अक्ष पर जहां ऋणात्मक जगह पर यह एक कट करेगा वह अलग अलग मान आएगा और यहाँ से आप देख सकते हैं इसे अगर ऐसा किया जाए देखिए यहाँ धातु x के लिए जो सरल रेखा वो यहाँ कट कर रही है, धातु y के लिए जो सरल रेखा वो यहाँ कट कर रही है। तो इस टॉपिक से जो निष्कर्ष निकल करके आया वो क्या निकल करके आया कि धातु सतह के परिवर्तन के साथ दहली आवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और दहली आवृत्ति के मान के बदलने के बावजूद भी आप पा रहे हैं कि जो दोनों धातुओं के लिए सरल रेखाएं आ रही है वो एक दूसरे के समांतर है और दोनों एक दूसरे के समांतर जो सरल रेखाएं हैं यह इनका जो ढाल है वह क्या है, एक समान है, मतलब एक नियतांक के बराबर है। ठीक है, तो आप विद्यार्थी इतना पढ़िए, अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इससे पूछेंगे और अगले दिन अगर आपकी कोई समस्या रहेगी तो उसका निवारण होगा, नहीं तो नेक्स्ट डे हमारा बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।